रहम करो ठाकुर, रहम करो। हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, हमें अनाज दे दो ठाकुर, दे दो ठाकुर। कल जब तुम्हारा पेट भरा हुआ था तो अपनी हिमायती सीमा के पीछे खड़े रहकर मेरे खिलाफ नारे लगा रहे थे, मुझे जालिम कह रहे थे, और अब जब तुम्हें भूख लगी है तो मेरे आगे हाथ जोड़ के खड़े हो हैं। हमें माफ कर दो ठाकुर, हमसे भूल हो गई, हमें अनाज दे दो, मैं तुम्हारे पांव पर सर रखता हूँ। रुक जाओ चाचा, ये सर सिर्फ भगवान के चरणों में झुकने के लिए है। इस शैतान के चरणों में झुकाकर अपना अपमान मत कीजिए चाचा। तो फिर तुम ही बताओ बेटी, आखिर हम क्या करें? अरे ये लड़की है, कोई धरती थोड़ी है जो अपने सीने पर अनाज उगाकर तुम लोगों का पेट भरेगी। ठाकुर, अगर इन गरीबों की बदवा इस धरती माँ ने सुन ली ना, तो तुझे चिता के लिए एक लकड़ी भी नहीं मिलेगी, समझा? अरे मेरी चिंता छोड़, मुझ पर तो चंडी का हाथ है। तुझे चिंता ही करनी है तो इन गांव वालों की कर, बेचारे भूखे मर रहे हैं। सीमा बेटी, गांव में कई बच्चे भूख से मर गए हैं, तुम ही बताओ आखिर हम क्या करें? मर जाओगे, तुम सब मर जाओगे। सीमा के बताए हुए रास्तों पर चलकर तुम सब मौत की सीमा से होके गुजर जाओगे। ठाकुर, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, इन गरीबों को अनाज दे दे, दे दे ठाकुर अनाज। अगर तू अपने आप को मेरे हवाले कर दे। क्या सोच रही है? ठीक है ठाकुर। हाथ छोड़ते ठाकुर, छोड़ दे मुझे, मुझे छोड़ दे ठाकुर, छोड़ दे ठाकुर। अल्लाह करे छोटी ठाकुर, मुझे छोड़ दे ठाकुर, मुझे छोड़ छोटी, छोड़ दे ठाकुर, मुझे बर्बाद मत कर ठाकुर। तेरे जैसी सुंदर छोरी को छोड़ दूँ? नहीं छोड़ूंगा। अरे तेरे नाम की तो जय जयकार हो रही, अरे पूरा गांव तेरे नाम से खाना खा रहा है। अब क्यों हल्ला करती है? अब क्यों हल्ला करती है? शांत हो जा। उठो बहन। गीता तू यहाँ किस लिए आई है? हाँ मैं तेरी जान लेने आई हूँ हरामजादे। मेरी जान? मगर क्यों? तूने मेरे सूरज को शहर में नौकरी का लालच देकर भेजा और वो उसी शहर में गुम हो गया। मैंने उसे बहुत तलाशा लेकिन वो मुझे नहीं मिला। फिर मुझे यकीन हुआ कि तूने उसका खून किया होगा। मुझे क्या पड़ी है उसका खून करवाने की? ताकि तू मुझे हासिल कर सके, लेकिन आज के बाद तू किसी भी मजबूर लड़की का फायदा नहीं उठाएगा हरामजादे। हमारे ठाकुर साहब को इसने मार डाला, पकड़ लो इसे। रुक जाओ। खबरदार, अगर किसी ने लड़कियों पे हाथ उठाया तो। कौन हो तुम? भूल गया कि तेरी माँ मुझे माँ कहती थी? इस रिश्ते से मैं तेरी नानी हूँ, और नानी तब याद आती है जब किसी का दाना पानी इस दुनिया से उठने वाला होता है। मगर तुम तो हमारे गांव के थाने की थानेदारनी लगती नहीं हो। ए, थाने के गाने गाना छोड़, वरना तेरी दोनों आंखें फोड़ कर तुझे ऐसा चश्मा पहनाऊंगी कि तू जब भी अपने आप को आईने में देखेगा नंगा दिखेगा। जाने दे इन लड़कियों को। मगर ठाकुर साहब की लाश का क्या करें? मैं सिपाहियों को भेज कर इसे उठवा लेती हूँ। तब तक तुम इसे गांव के चौराहे पे रख दो, ताकि सारे गांव वाले इसके मुंह पर थूक थूक कर इसे श्रद्धांजलि अर्पित करते रहें। तो मेरे साथ चलो। चलो जल्दी चलो,
इंस्पेक्टर साहब, आखिर हमें कहाँ ले जा रही हो? मैं इंस्पेक्टर नहीं, एक मुजरिम हूँ। वो मुजरिम जो अपनी जान की बाजी लगाकर जुर्म को खत्म करने के लिए निकल पड़ा है, और जब तक देश के सबसे बड़े दुश्मन चंडी को सजा नहीं दिलवाएगा, अपने आप को कानून के हवाले नहीं करेगा। चंडी मेरा भी दुश्मन है, उसी के कहने पर ठाकुर ने मेरे प्यार भरे संसार को उजाड़ा है, मुझे बेसहारा बनाया है। अगर तुम सहारा बनकर नहीं आती तो मैं, मुझे भी चंडी से बदला लेना है। उसके इशारे पर ठाकुर गांव की बहू बेटियों को उसके पास ले जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि हम तीनों का दुश्मन डाकू चंडी है। अगर तुम दोनों मेरा साथ दो तो हम तीनों मिलकर उसके जीवन में तहलका मचा सकते हैं, और उसकी हड्डियों को वो सारा दर्द वापस लौटा सकते हैं जो उसने हमें और हमारे देशवासियों को दिया है। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, मरते दम तक। अगर मैंने मर के दूसरा जन्म भी लिया तो मेरे जीने का बस एक ही मकसद होगा, डाकू चंडी से इंतकाम। डाकू चंडी, नारी जात के ये तीन रंग अपने देश के तिरंगे की लाज रखने आ रहे हैं। सरदार गजब हो गया। चांदी क्या हुआ? क्या मेरी दहशत से सूरज ने चमकना छोड़ दिया? चांदी क्या मेरे गुस्से की गर्मी से जलकर समुंदर सूख गया है? चांदी पुलिस हो या फौज, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं इंसान की नहीं शैतान की औलाद हूँ। शैतान की औलाद चंडी। जानता हूँ सरदार, भगवान ने तो सबको मिट्टी से बनाया है, लेकिन तुमको उस गंदगी से बनाया है जिसको कुत्ता भी नहीं सूंघता। शांति की माला चपड़ने वाले को हथियार बेचना चंडी का धंधा है। धंधा बदलने में तो आपका जवाब नहीं। पहले भीख मांगा करते थे, फिर भड़ुआ गिरी, और अब आतंकवादी बन गए। भाई से भाई को मरवाना, तीन धर्म में दीवार डलवाना, हिंदू सिख मुसलमान को आपस में लड़वाना, ये चंडी का पेशा है। आपकी आदतों का जवाब नहीं है। जहाँ लोगों के हाथ नहीं पहुँचते वहाँ आपकी जबान पहुँचती है। पड़ोसी मुल्कों के साथ दोस्ती करके अपने देश के साथ गद्दारी करना, ये मेरा शौक है। जब हर मजहब का आदमी चंडी की गोली खा के तड़पता है ना, तो बड़ा मजा आता है। बड़ा मजा आएगा सरदार जब आपकी लाश को सुअर चाटेंगे। बड़ा मजा आएगा। चंडी 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 को हर आदमी का खून चाहिए। चंडी जिंदाबाद। जिंदाबाद। चंडी का दूध। अब ऐसा करो,
बड़े प्यार से अपने प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे पांव अपने घरों से आगे ले आओ। चंडी, अपने सर से तुम सबके सिरों को बड़े प्यार से ठोक सके। अफ्तावर खान। हुकुम सरदार। अरे ये क्या हुआ, मैंने तो यहाँ आने का खौफनाक ऐलान कर दिया था, ये तो उल्टा हुआ। ना कोई यहाँ गेहूं की बोरी लेकर आया है और ना ही मेरी प्यास बुझाने के लिए दूध की कटोरी। सरदार, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अच्छा, तो गड़बड़ बनकर मेरा क्रोध हर कलेजे में थर थर मचाएगा। खून डालो, आग लगा दो और मौत बनकर सबके मुंह पर थूक डालो। और ये तुम दबा के क्यों भाग रहे हैं? सरदार, आपके आने से पहले एक और डाकू आया था, वो सारे गांव को लूट कर ले गया है। कौन है वो, जरा हम भी तो देखें। जिसने चंडी की हंडी में मुंह डालकर मुझे ललकारा है। उसका नाम अर्जुन सिंह था। कौन है वो पिल्ला जिसने बिल्ली के दुम के नीचे जन्म लिया? क्या उसे ये नहीं पता कि ये सारा इलाका चंडी का है, चंडी के दूध का है? बताया था सरदार, लेकिन उसने मेरे मुंह पर लात मारकर कहा, ऐसी ही लात मारने के लिए मैं चंडी का भूरे मंदिर पर इंतजार करूंगा। आएगा अर्जुन सिंह, आएगा, चंडी चंडाल बनकर आएगा और तेरी छाती पर तेरे ही खून से मूंग दलेगा। चलो। अर्जुन, अपनी बिल से बाहर निकल। आया, कसम है मुझे अपने गुरु गब्बर सिंह की कि तेरी जबान काट कर रंडी के जूतों से ना पटवाया तो मेरा नाम चंडी नहीं, चंडी का दूत नहीं। 21 गधों की औलाद ने तेरा नाम शायद चंडी रख दिया है। अरे चंडी माँ तो पापियों का नाश करती है, और तू चंडी नहीं हो सकता, तू तो किसी कोठे की रंडी है। रंडी ए डाकों के मैदान के नए नए खिलाड़ी, जा ये गधा घोड़ा कहीं और जाके चला, वरना मेरी ताकत का थोड़ा तेरे घोड़े समेत जमीन में जिंदा गाड़ देगा। अर्जुन सिंह, उस ताकत का नाम है चंडी। तेरे इस भैंसे जैसी गर्दन को एक ही बाएं हाथ के घूंसे से तोड़ देगा। अबे चंडी किसी छिपकली की तुम नहीं है जो कटने के बाद नाचती रहे। इससे पहले मैं तेरी खोपड़ी पर हल चलाकर मौत के तिनके उगाऊंगा, फिर वही तिनके तुझे तेरी नाक के जरिए। अबे चंडी वो नाक है जिसके फन से लेकर तुम तक आग ही आग है, और जिसे देखने वाला अंधा और छूने वाला राख ही राख हो जाता है। गलत फहमी है तेरी, तू नाग नहीं, किसी बेसुरे के गले से निकला हुआ वो राग है जिसे सुनकर कुत्ते भी नफरत से भौंकने लगते हैं, जिसे देखकर कुत्ते भी रोने लगते हैं। रोले रोले खुद ही रोले, क्योंकि तेरी लाश पर थूकने वाले तो बहुत मिलेंगे, रोने वाला कोई नहीं मिलेगा। अरे पगले, मैं रो नहीं रहा था, मैं तो अपने स्वर्गवासी गुरु की आत्मा से पूछ रहा था कि इस प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे अर्जुन को कहां से चबाना चालू करूं, नीचे से, ऊपर से, बाएं से, दाएं से। और मैं भगवान से पूछ रहा था कि तेरे दांतों को कहां से गिराना शुरू करूं, और उसने मुझे जगह बता दी।
यही है ना वो हरामजादा जिसने तुम सबका जीना हराम कर दिया था। थूको इस कुत्ते के मुंह पे, जी भर के गालियां दो साले को। आओ। नहीं, ये चन्नी का दावा है, तुम डाकू नहीं हो सकते। डाकू गालियां नहीं गोलियां मारा करते हैं। नहीं कह रहा है तू, मैं डाकू अर्जुन सिंह नहीं, इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह हूं। उठ उठ आराम सादे अपन। रुक जाओ। रुक जाओ अर्जुन सिंह, रुक जाओ। हमारे सरदार को छोड़ दो, नहीं तो हम इन गांव वालों की लाशें यही बिछा देंगे। बिचुआ ने डंक मारा, हाय मेरी मैया। दरोगा को जहर चढ़ा, हाय मेरी मैया। ओए हाय मेरी मैया, ओ हाय मेरी। हारी हुई बाजी जीत कर ये मत समझ कि तकदीर तुझ पर यूं ही मेहरबान रहेगी हमेशा। तकदीर जब तक मेहरबान है, ये गदा पहलवान है। रहम करो ठाकुर, रहम करो। हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, हमें अनाज दे दो ठाकुर, दे दो ठाकुर। कल जब तुम्हारा पेट भरा हुआ था तो अपनी हिमायती सीमा के पीछे खड़े रहकर मेरे खिलाफ नारे लगा रहे थे, मुझे जालिम कह रहे थे, और अब जब तुम्हें भूख लगी है तो मेरे आगे हाथ जोड़ के खड़े हो। हमें माफ कर दो ठाकुर, हमसे भूल हो गई, हमें अनाज दे दो, मैं तुम्हारे पाँव पर सर रखता हूँ। रुक जाओ चाचा, रुक जाओ चाचा। ये सर सिर्फ भगवान के चरणों में झुकने के लिए है। इस शैतान के चरणों में झुकाकर अपना अपमान मत कीजिए चाचा। तो फिर तुम ही बताओ बेटी, आखिर हम क्या करें? अरे ये लड़की है, कोई धरती थोड़ी है जो अपने सीने पर अनाज झुकाकर तुम लोगों का पेट भरेगी। ठाकुर, अगर इन गरीबों की बदवा इस धरती माँ ने सुन ली ना, तो तुझे चिता के लिए एक लकड़ी भी नहीं मिलेगी, समझा? अरे मेरी चिंता छोड़, मुझ पर तो चंडी का हाथ है। तुझे चिंता ही करनी है तो इन गांव वालों की कर, बेचारे भूखे मर रहे हैं। सीमा बेटी, गांव में कई बच्चे भूख से मर गए हैं, तुम ही बताओ आखिर हम क्या करें? मर जाओगे, तुम सब मर जाओगे। सीमा के बताए हुए रास्तों पर चलकर तुम सब मौत की सीमा से होके गुजर जाओगे। ठाकुर, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, इन गरीबों को अनाज दे दे, दे दे ठाकुर अनाज। अगर तू अपने आप को मेरे हवाले कर दे। क्या सोच रही है? ठीक है ठाकुर। हाथ छोड़ दे ठाकुर, छोड़ दे मुझे, मुझे छोड़ दे ठाकुर, छोड़ दे ठाकुर। अल्लाह करे छोड़ती ठाकुर, मुझे छोड़ दे ठाकुर, नहीं मुझे छोड़ छोड़ती, छोड़ दे ठाकुर, मुझे बर्बाद मत कर ठाकुर। तेरे जैसी सुंदर छोरी को छोड़ दूँ? छोड़ू नहीं, छोड़ूंगा नहीं ठाकुर, नहीं छोड़ूंगा, छोरी तेरे पर नहीं छोड़ूंगा। अरे तेरे नाम की तो जय जयकार हो रही, अरे पूरा गांव तेरे नाम से खाना खा रहा है। अब क्यों हल्ला करती है? अब क्यों हल्ला करती है? शांत हो जा। उठो बहन। गीता तू यहाँ किस लिए आई है? हाँ मैं तेरी जान लेने आई हूँ हरामजादे। मेरी जान? मगर क्यों? तूने मेरे सूरज को शहर में नौकरी का लालच देकर भेजा और वो उसी शहर में गुम हो गया। मैंने उसे बहुत तलाशा लेकिन वो मुझे नहीं मिला। फिर मुझे यकीन हुआ
कि तूने उसका खून किया होगा। मुझे क्या पड़ी है उसका खून करवाने की? ताकि तू मुझे हासिल कर सके। लेकिन आज के बाद तू किसी भी मजबूर लड़की का फायदा नहीं उठाएगा हरामजादे। हमारे ठाकुर साहब को इसने मार डाला, पकड़ लो इसे। रुक जाओ। खबरदार, अगर किसी ने लड़कियों पे हाथ उठाया तो। कौन हो तुम? भूल गया कि तेरी माँ मुझे माँ कहती थी? इस रिश्ते से मैं तेरी नानी हूँ, और नानी तब याद आती है जब किसी का दाना पानी इस दुनिया से उठने वाला होता है। मगर तुम तो हमारे गांव के थाने की थानेदारनी लगती नहीं हो। ए, थाने के गाने गाना छोड़, वरना तेरी दोनों आंखें फोड़कर तुझे ऐसा चश्मा पहनाऊंगी कि तू जब भी अपने आप को आईने में देखेगा नंगा दिखेगा। जाने नहीं लड़कियों को। मगर ठाकुर साहब की लाश का क्या करें? मैं सिपाहियों को भेज कर इसे उठवा लेती हूँ। तब तक तुम इसे गांव के चौराहे पे रख दो, ताकि सारे गांव वाले इसके मुंह पर थूक थूक कर इसे श्रद्धांजलि अर्पित करते रहे। तो मेरे साथ चलो। चलो जल्दी चलो। इंस्पेक्टर साहब, आखिर हमें कहाँ ले जा रही हो? मैं इंस्पेक्टर नहीं, एक मुजरिम हूँ। वो मुजरिम जो अपनी जान की बाजी लगाकर जुर्म को खत्म करने के लिए निकल पड़ा है, और जब तक देश के सबसे बड़े दुश्मन चंडी को सजा नहीं दिलवाएगा, अपने आप को कानून के हवाले नहीं करेगा। चंडी मेरा भी दुश्मन है। उसी के कहने पर ठाकुर ने मेरे प्यार भरे संसार को उजाड़ा है, मुझे बेसहारा बनाया है। अगर तुम सहारा बनकर नहीं आती तो मैं। मुझे भी चंडी से बदला लेना है। उसके इशारे पर ठाकुर गांव की बहू बेटियों को उसके पास ले जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि हम तीनों का दुश्मन डाकू चंडी है। अगर तुम दोनों मेरा साथ दो तो हम तीनों मिलकर उसके जीवन में तहलका मचा सकते हैं, और उसकी हड्डियों को वो सारा दर्द वापस लौटा सकते हैं जो उसने हमें और हमारे देशवासियों को दिया है। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, मरते दम तक। अगर मैंने मर के दूसरा जन्म भी लिया तो मेरे जीने का बस एक ही मकसद होगा, डाकू चंडी से इंतकाम। डाकू चंडी, नारी जात के ये तीन रंग अपने देश के तिरंगे की लाज रखने आ रहे हैं। नहीं! उन नागनों मेरे यार को मारकर इस नाक को कुचलने की कोशिश की, अब ये नाक जुल्म की बीन बजाएगा, उन सपेरों को मारकर मौत का नाच जाएगा। तो फिर हम जाएं? जाओ, घर वालों को बेघर कर दो। जब तक वो तीन लड़कियां नहीं मिलती, जुल्म की बरसात करते रहो। जाओ। Welcome, my brave man. Welcome. Thank you, sir. क्या बात है? किसी जरूरी काम से आना हुआ क्या? सर, जिस डाकू चंडी के साथियों ने लोगों को मौत के मुंह में ढकेला है, मैं उसे गिरफ्तार करने की आपसे इजाजत लेने आया हूँ। I need your permission for the mission. क्या जिस नरक से तुम एक बार जिंदा बचकर आए उसी नरक में वापस जाना चाहते हो? सर, मैंने उस नरक में अपने देश के भविष्य को जलते हुए देखा है। उसके जुल्म से शिकार बच्चे जब भूख से बिलख उठते हैं तब बंदूक उठाकर आतंकवादी बन जाते हैं वो। देखो ऑफिसर, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। इसमें बुरा मानने की क्या बात है सर, आप जो भी कहेंगे ठीक ही कहेंगे। तुम इस्तीफा देकर आराम करो। तुमने फर्ज के सागर में डूब डूब कर कानून की बहुत सेवा की। अब जिंदगी के आखिरी हिस्से को उस चंडी के खूंखार जबड़े में देने से बेहतर है कि। सर, मैंने तो आपसे जुल्म से लड़ने के खिलाफ तलवार मांगी थी, और आप मुझे चूड़ियां पहनने की सलाह दे रहे हैं। माफ कीजिएगा सर, आप कानून के रखवाले नहीं हो सकते, बल्कि आप तो कानून की कब्र खोदना चाहते हैं। ठीक है, मैं दे देता हूं इस्तीफा,
लेकिन डाकू चंडी को छोड़ूंगा नहीं मैं, याद रखेगा। वेरी गुड ऑफिसर, वेरी गुड। अरे मैं तो तुम्हें आजमा रहा था कि जिंदगी के इस हिस्से में कहीं तुम थक तो नहीं गए हो, मगर नहीं, तुम्हारे में आज भी इतनी ताकत है कि आकाश धरती पर गिरने लगे तो तुम अपने दोनों हाथों से इस आकाश को रोक कर इस धरती को तबाह होने से रोक दो। मुझे गर्व है तुम्हारे ऊपर। बताओ तुम्हारा प्लान क्या है? सर मेरा प्लान है कि अब देखना आगे क्या होता है। अच्छा भागो। तुम तीनों भागते भागते थक जाओगी लेकिन मेरे हाथों से बच नहीं सकोगी। इससे पहले कि इस वीराने में तुम भटक भटक के अपना दम तोड़ दो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, बाहर आ जाओ। दरोगा, तू हमारे साथ जिंदा चलेगा या तेरी लाश लेकर जाएं हम? मैं कोई घास नहीं हूं चंडी की रखेल, मैं इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह हूं, जिसे देखते ही मुजरिमों की खाल पीली और पतलून गीली हो जाती है। ये बेचारा इंस्पेक्टर तो मारा जाएगा। अच्छा होगा, पीछा तो छूटेगा इस कानून के दुश्मन से। चलो भाग चले। नहीं, दुश्मन ये नहीं, हमारे असली दुश्मन है डाकू चंडी के आदमी। ये बेचारा तो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है जिसका जिंदा रहना कानून के लिए बहुत जरूरी है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। वो तो हमारा फर्ज था, अब हम चले। लेकिन अब मुझे अपना फर्ज पूरा करना है। चलो मेरे साथ। रुक जाओ। देखा दुर्गा, हमने इसे मरने से बचाया, फिर भी हमें ये पकड़ने पे तुला है। काश सारे पुलिस वाले ऐसे ही होते तो हमारे देश को देखकर स्वर्ग भी शर्मा जाता। तुम लोगों ने डाकू को मार के कानून की मदद की है, मैं कोशिश करूंगा तुम्हें कम से कम सजा मिले। चलो चलो। ये रही ताजी। सरदार सरदार, बोले टकले। हम जिस रास्ते से जा रहे थे वहां अर्जुन सिंह से टक्कर हो गई। क्या कहा? अर्जुन सिंह से टक्कर हो गई और तुम कुत्तों की तरह खड़े रहे हैं? सरदार, कल मैंने शराब में आपका पसीना मिलाकर पिया था, इसलिए मुझमें इतनी शक्ति आ गई थी, समझो हमने अर्जुन सिंह को मार ही डाला था, मगर वो तीन लड़कियां। अच्छा, तो उन तीन लड़कियों ने तुम्हारी बीन बजा दी। जरूर मैंने प्यार के अखाड़े में उन तीनों के साथ कुश्ती लड़ी होगी, तभी तो इतनी बहादुर है। जाओ, वो जमीन पर हो या आसमान पर, उन तीनों को यहाँ पकड़ के लाओ, वरना चंडी के क्रोध की आग तुम सबको जला के राख कर देगी। जाओ। अच्छा। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप? हाँ मैं। मुझे देख के इतना ताज्जुब क्यों कर रही हो? नहीं, वो क्या है ना, हम तीनों आप ही से मिलने आ रहे थे। क्यों? उस दिन तो तुम तीनों जुर्म करके मुझे भाग रही थी और आज बिना जुर्म किए जेल काटना चाहती हो। सुनो, जेल की चार दीवारी के अलावा भी एक चार दीवारी होती है और वो होती है एक इज्जतदार घर की चार दीवारी। तुम तीनों अपने लिए अच्छे से लड़के ढूंढ के अपना घर क्यों नहीं बसा लेते? छोटी छोटी खुशियां, छोटे छोटे गम, बस इन्हीं में उलझते सुलझते दिन कट जाएंगे। अरे दुर्गा, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? बड़े वफादार हैं ये आंसू। मेरा रिश्ता इनसे कब से टूट चुका है, मगर बड़े वफादार हैं ये आंसू। दिल पर चोट लगते ही आंखों से बहने लगते हैं और बहते बहते ये कह देते हैं कि दिलों में लगी आग तो बुझ चुकी है लेकिन धुआं अभी तक उठ रहा है। इस धुएं के पीछे मेरे अरमानों की चिता न जाने कब से जल रही है अर्जुन साहब, और
जब तक इस पर किसी के खून के छींटे नहीं पड़ेंगे ये ठंडी नहीं होगी। ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ? उस दिन सूरज आग बरसा रहा था और मैं और विजय। विजय, रेलवे स्टेशन अब कितनी दूर है? बस थोड़ी दूर है दुर्गा, गाड़ी में बैठते ही हम उस जालिम की पहुंच से दूर हो जाएंगे। जी जाता है पत्थर से कुचलकर अपनी शक्ल बिगाड़ लो ताकि लाख चाहने पर भी वो जालिम मुझ पर अपनी बुरी नजर न डाल सके। घबरा मत दुर्गा, हमें कुछ नहीं होगा, हम उस जालिम की पहुंच से दूर हो जाएंगे। ये कैसी बदनसीबी है विजय कि खुशियां मिलने से पहले ही दुख के पहाड़ हम पर टूट पड़े। नहीं ऐसा मत करना दुर्गा, अरे इस हसीन चेहरे को पाने के लिए मैंने दुनिया के सारे सुख ठुकराए हैं। वक्त कभी नहीं रुकता दुर्गा, सुख देने के बाद दुख और दुख देने के बाद सुख जरूर मिलता है। हमें जितनी जल्दी हो सके चंडी के इस इलाके से दूर निकल जाना चाहिए। हाँ, चलो चलो। अगले जब तक चंडी तुम्हें हरी झंडी नहीं दिखा लेता तुम्हें पगडंडी नहीं मिल सकती। अगर चंडी ने हरी झंडी दिखाई तो तुम्हें पगडंडी मिल जाएगी। ऐसा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, भागो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ चंडी, हमें जाने दे। जाने देता, जरूर जाने देता, अगर ये तेरा चेहरा सच्चे मोती की तरह ना होता। अब तो मैं इश्क के साबन के साथ नहाऊंगा, रंग रलियां मनाऊंगा और हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि इस घुनघुटे जंगल में से एक जुई निकालो और मेरी खुराक पूरी करके अपने खसम को ले जाओ, ले जाओ। चंडी, अगर अब तूने दुर्गा को छूने की कोशिश की तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। कलुआ, अबे ओ टकलू, हरामजादा, दुर्गा को छोड़ दो, दुर्गा को छोड़ दो। अभी तो मैंने तेरा तेरवा करना है रे और इस कन्या का चौदवा करना है रे। चंडी, अपने कुत्तों से कह दो कि दुर्गा को छोड़ दे। बोल। अबे कलुआ, अबे टकलू, चो 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 चो। दुर्गा, दुर्गा मुझे माफ कर देना, जिंदगी भर साथ निभाने की कसम है मैं पूरी ना कर सका। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझ बदनसीब से प्यार मत करो, मगर तुम नहीं माने। विजय, तुम ठीक तो हो ना विजय? ये कुछ नया नहीं है दुर्गा, कुछ नया नहीं है। मंजिल सामने होती है और प्यार करने वालों से रास्ता छीन लिया जाता है। दुर्गा, दुर्गा मेरी बात मानो। तू मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती। दुर्गा मेरी बात मानो। नहीं विजय। जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से दूर निकल जाओ। विजय, मुझे छोड़ कर मत जाओ विजय। दुर्गा। अच्छा मैं मेरे रास्ते से कांटा हट गया।
प्रिय उठ जा, रोने में कुछ नहीं रखा। उठ जा, उठ जा। चंदी, तूने मेरा सुहाग छीनकर मुझे आग बना दिया है। क्या जब तक जलती रहेगी तब तक मौत बनकर तेरा पीछा करती रहेगी। तू भागता रहेगा, इन पहाड़ों से रो रो कर पना मांगता रहेगा, मगर तुझे पना नहीं मिलेगी। ये मेरा वादा रहा चंडी, एक दिन मैं तुझे यही कुत्ते की मौत मारूंगी। चुप हो जा सती सुया, चुप हो जा। आंसू तो मेरी आंखों में भी है पर खुशी के। जब तक तू जंगलात में से जुई निकाल कर मुझे खिलाती रहेगी, मैं तेरे साथ सुहाग रात मनाता रहूंगा। तू खिलाती रहेगी, मैं मनाता रहूंगा। तू खिलाती रहेगी, मैं मनाता रहूंगा। कलुआ, अबे ओ टकलू, ले जाओ मेरी सुहागन को। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं जान ले लूंगी तुम्हारी। कुत्ता छोड़ो। मेरे सपनों का मंदिर तोड़कर उसने मुझे तबाह कर डाला अर्जुन साहब। अब मुझे तलाश है तो सिर्फ उस सालिम की। तुम्हारी तलाश और मेरा फर्ज, हम दोनों का निशाना वही दरिंदा है दुर्गा। अगर तुम उसका अंजाम देखना चाहती हो तो आओ मेरे साथ और फिर देखो मैं किस तरह से फांसी के फंदे पे लटकाता हूं। आओ। हम सब आपके साथ चलने को तैयार हैं अर्जुन साहब। बैठो। चलो। सर, यह है मेरे तीनों साथी जो मेरे साथ मिशन पर जाएंगे, दुर्गा, सीमा और गीता। दुर्गा, सीमा और गीता के नाम पे मत जाइएगा। दुर्गा है आग, सीमा है आंधी और गीता है तूफान। सर, जिसने भी किया है धरती माँ का अपमान, वो पगला इस बात से है अनजान कि उसका सर्वनाश करने आ गई है आग, आंधी और तूफान। रुक जाइए दरोगा साहब, रुक जाइए। क्या बात है हवलदार राम सिंह, तुम इस तरह हमारा रास्ता रोके क्यों खड़े हो? साहब, मेरा बेटा विक्की भी आपके साथ जाना चाहता है। तुम अच्छी तरह जानते हो राम सिंह कि हमारे रास्ते में खतरों के अलावा और कुछ नहीं है। साहब, मैं तो ये भी जानता हूँ कि इस सफर पर जाने वाले शायद कभी वापस लौट कर भी नहीं आएंगे। उसके बावजूद भी तुम अपनी इस इकलौती औलाद की बलि चढ़ाना चाहते हो? मेरी औलाद होने से पहले ये इस धरती की औलाद है जिसे धरती माँ कहते हैं। अगर ये उस लड़ाई में मारा भी गया ना तो यकीन मानिए मुझे इतनी खुशी होगी जितनी इसके पैदा होने के वक्त भी नहीं हुई थी। है, एक शेर सुनिए। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। तो फिर चलो भाई, आओ। जाओ बेटा, जाओ। आ जाओ। मुझे छोड़ दो। शनिवार, ओ शनिवार, लगता है तू सपने में मुझसे डर गया है। सारी दुनिया मुझसे डरती है, मैं खुद अपने आप से डरता हूँ। कभी तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी गोली अपने सर पर ना मार दूं। उठ जा शनिवार, तेरा कर दूंगा मंगलवार। मटर शनिवार, तेरा हो जाएगा मंगलवार। उठ जा मेरे लाल। सरदार, हमारे मुखबिर ने चिट्ठी भेजी है। ए बाड़े बड़े बिजो, चुपचाप छमछा। अच्छा, तो चंडी को पकड़ने के लिए दुश्मन निकल चुके हैं। उन बेवकूफों को क्या पता कि चंडी की भूल भलाइया कैसी है। मुझे ढूंढते ढूंढते वो थक जाएंगे, चील और कौवे खा जाएंगे, पर चंडी की पगडंडी उन्हें नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। हे
लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब हम क्या करेंगे? अब एक ही आदमी है जो हमें रास्ता दिखा सकता है। कौन? सिकंदर खान। सिकंदर? हाँ, लेकिन वो मेरी मदद नहीं करेगा। क्यों? इस छोटे से शब्द क्यों का जवाब देने के लिए मुझे अपने यादों के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। एक जमाने में सिकंदर और मैं बहुत गहरे दोस्त थे। जान छिड़कते थे एक दूसरे पर, जान छिड़कते थे।
देशियों ने भड़काया। हथियार बिक रहे, मासूम मर रहे, विदेशियों ने भड़काया। फूलों के हार को किया बदनाम, फूलों के हार को किया बदनाम, उसमें बम लगवाया। सुनो 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 रे भैया, धर्म कर्म की माया। सुनो 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 रे भैया, मैंने जो कुछ भी किया है पूरा नहीं किया। तुम जैसे गुंडे के खिलाफ गवाही देकर मैंने कोई गुनाह नहीं किया। हाँ तू 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 चाहे मेरी जान ले ले। ये इतनी हिम्मत कि तू मुझे पुलिस के हवाले करेगा, जनता के सामने मेरी पोल खोलेगा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हट जाओ, हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ, मैं कहता हूं हट जाओ। किसने मारा इसे? मैं पूछता हूँ किसने मारा इसे? किसने मारा तुम्हें? ज्वाला सिंह ने। ज्वाला सिंह, रुक जा ज्वाला। कौन है भाई? एक नियत को इस तरह सरेआम मारकर तुम बचकर नहीं जा सकते। चल कर अपने आप को कानून के हवाले। फौजी, तूने मुझे रोका है, ज्वाला सिंह को रोका है। अभी एक का खून पीकर आ रहा हूँ, अब एक फौजी का खून पीने में बड़ा मजा आएगा। और मुझे भी मजा आएगा, क्योंकि आज तक मैंने देश के दुश्मनों को सरहद के उस पार मारा है, मगर आज मैं देश के दुश्मन को सरहद के इस पार मारूंगा। मगर मारने से पहले तुझे एक बार फिर से चेतावनी देता हूँ, कर दे कानून के हवाले अपने आप को। कानून? वो कानून जिसके रखवाले मेरे तलवे चाटते हैं, मेरी फेंकी हुई हड्डियां सब बिल के बांटते हैं। हड्डा कुत्ता! कुत्ता भौंकने से, सुअर गंदा खाने से, और तुझ जैसा गुंडा समझाने से समझ नहीं सकता। तेरे जैसे गुंडे का तो सर हो और मेरी ठोकर। नहीं सिकंदर, रुक जाओ। अर्जुन छोड़ दो मुझे, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं सिकंदर, तुम इसे नहीं मार सकते। अर्जुन, इसने कानून से खिलवाड़ किया है, मैं इसे जिंदा नहीं छोडूंगा। नहीं सिकंदर, नहीं।
ये क्या किया सिकंदर, ये क्या किया तूने? सिकंदर, मैं तुझे इस आदमी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। जुर्म? जुर्म किया है मैंने? एक कानून के दुश्मन को मारकर जुर्म किया है मैंने? एक कातिल को मारकर जुर्म किया है मैंने? एक दहशत फैलाने वाले गुंडे को मारकर जुर्म किया है मैंने, जिसके मरने की बात भी आज उसके डर से लोग थर थर कांप रहे हैं। हाँ हाँ, जुर्म किया है तुमने, क्योंकि अगर तुम्हारी तरह हर कोई सड़कों पे मुजरिमों को सजा देने लगेगा तो हर गली कूचे में लाशें गिरने लगेंगी। हर आदमी खुद अपना कानून बनकर, हर आदमी खुद अपनी अदालत बनाकर, अपना कानून बनाकर सजाएं बांटने लगेगा। जिसके पास ताकत होगी सिकंदर, इंसाफ भी उसी का होगा। और हो क्या रहा है अर्जुन सिंह, और हो क्या रहा है? अगर तूने अपने आप को मेरे हवाले नहीं किया तो ना चाहते हुए मुझे तुझ पर गोली चलानी पड़ेगी। गोली चलाओगे मुझ पर? क्यों गोली चलाकर देश का बजट बढ़ा रहे हो अर्जुन सिंह? अगर तेरी गोली खाली गई तो महंगाई और बढ़ जाएगी, इसीलिए गिरफ्तार ही कर ले। मेरे दोस्त, मुझसे नाराज मत होना, कभी भूल के भी अपना मुंह मत मोड़ना मुझसे, क्योंकि जहां फर्ज होता है वहां दोस्ती नहीं निभाई जाती, सिर्फ फर्ज अदा किया जाता है। चल। मैंने सिकंदर को बेगुनाह साबित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ज्वाला सिंह के सरपरस्तों ने से सजा दिलवा कर ही छोड़ा। मेरे फर्ज ने हमारी दोस्ती को नफरत में बदल दिया, अब वो मेरी शक्ल देखना भी कबारा नहीं करता। सर, नफरत हो या चाहत, समय की धूल से धुंधला कर देती है। सिकंदर कोई शीशे का टुकड़ा नहीं है दुर्गा, जिस पर धूल जम जाए। सिकंदर तो पत्थर है, और एक बार जो पत्थर पर लिख दिया जाए वो टूटने के बाद भी नहीं मिटता। पत्थर के साथ ऐसा होता होगा सर, मगर सिकंदर एक इंसान है, और इंसानों को रास्ते पर लाना मुश्किल तो हो सकता है मगर नामुमकिन नहीं। नामुमकिन है दुर्गा, सिकंदर को वापस लाना नामुमकिन है। कोशिश करने में क्या हर्ज है? तो करके देखो। जाओ। ऐ आसमान पर विचरने वाले बादलों, सदियों से मौसम की सख्ती को झेलती हुई चट्टानों, ऐ खामोश पत्थरों, सिकंदर से एक शेर सुनो। जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहां पर खुदा न हो। पागल शराब पीने की मस्जिद जगह नहीं, सिकंदर के दिल में पी ले कहां पर खुदा नहीं। ऐ, कौन है तू? दुर्गा, मेरा नाम दुर्गा है। होगा, अगर पहले ये बता कि तूने ये कहने की हिम्मत कैसे की, सिकंदर के दिल में पी ले तो वहां पर खुदा नहीं। जिस मुसलमान के हाथ में शराब की बोतल और खून की हर बूंद में नशा होगा, वहां भला खुदा कहां से होगा? अब तो मेरे दिल में खुदा फिर से वापस आ जाएगा ना। खुदा को मनाने के लिए तुम्हें एक बार फिर से वही सिकंदर बनना पड़ेगा, जो देश की आन के लिए, कानून की शान के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार रहता था। कानून? कैसा कानून? मत नाम लो उस कानून का जिसने मुझसे मेरा फर्ज, मेरी जिंदगी के 10 साल, मेरा सबसे अजीज दोस्त अर्जुन सिंह, मेरे जीने का मकसद छीन लिया मुझसे। ये क्यों भूलते हो सिकंदर कि अल्लाह के रसूल ने तुमसे ज्यादा तकलीफें उठाई हैं? अगर वो भी तुम्हारी तरह अपने मकसद को भूल जाते तो, अगर वो भी तुम्हारी तरह शराब पीने लगते तो। बस करो दुर्गा, बस। तुम्हारी बातों के नश्तर ने मेरा ज़मीर फिर से जगा दिया है। एक ईमान का चिराग जो मेरे अंदर बुझने चला था, तुमने उसे फिर से जला दिया। एहसान है तुम्हारा कि तुमने इस मुसलमान को जहन्नुम की आग में जलने से बचा लिया। बताओ कानून ने मुझे फिर से क्यों याद किया? नहीं।
मुझे माफ कर दो दोस्त, मैं भटक गया था। भटक तो हम गए थे सिकंदर, और अब तुझे हमें रास्ता दिखाना होगा। अब रास्ता भी मिलेगा और मंजिल भी मिलेगी, क्योंकि अब हमारे साथ है सिकंदर। सिकंदर, सिकंदर। बाप चल रहा है, साहिल भी डर रहा है। बाप चल रहा है, साहिल भी डर रहा है। चल रहा है, साहिल भी डर रहा है। अब दुर्बल नहीं है ना।
दुर्बल नहीं है नारी, हर नारी अब है काली, ये जननी है मर्दों की, अब नहीं ये झुकने वाली। ये माँ बहन और बीवी इससे है सब का मुकद्दर, रक्षा करे जो तू है वही सिकंदर, तू है वही सिकंदर, सिकंदर 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 सिकंदर, तू पे चल रहा है साहिल भी डर रहा है, अगर हम इस पहाड़ी रास्ते से ऊपर चढ़ जाएं, तो दुश्मन की नजर बचाकर आगे बढ़ सकते हैं। अरे अपनी कश्ती को हमने कर दिया तेरे हवाले, दे मौत के अंधेरे या जीवन के दे उजाले। तो फिर सोचते क्या हैं सर, चलिए ऊपर चलते हैं। चलो चलो साथियों चलो। खूबसूरत है, आजा, अरे ऊपर आजा, ऊपर जल्दी आजा, वरना तेरे साथी को मार डालेंगे, जल्दी से ऊपर आ। ठीक है मैं आती हूँ। सीमा रुको, आगे मत जाओ। सीमा ये क्या कर रही हो, रुक जाओ। छोरी बता अपनी जवानी, नहीं तेरे साथियों की कहानी खत्म कर दूंगा, बताती है या नहीं। साथियों मोर्चा संभाल लो। आपने मुझे मारा? क्या समझ के मारा आपने मुझे? मैं समझता था कि तुम तमाचे की जबान समझ जाओगी, और जो गलती तुमने की है उसे शब्दों का रूप मुझे नहीं देना पड़ेगा। ओ, अब मैं समझी। आपको मेरा कपड़े उतारना अच्छा नहीं लगा। हाँ, और अगली बार तूने ऐसी गलत हरकत की ना तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। गोली खा के तो इस वक्त हम सब खाई में मरे पड़े होते, अगर मैं कपड़े नहीं उतारती। अच्छा होता, कम से कम जिसे मैं अपनी बेटी के बराबर समझता हूँ उसे। उफ, जो भी किया मैंने अपने देश के लिए किया, अगर अपने देश के लिए मुझे अपनी इज्जत भी लुटानी पड़ी ना, वो भी करूंगी मैं। सीमा, हमारे देश में इज्जत लुटाई नहीं जाती, बल्कि इज्जत बचाने के लिए जान कुर्बान की जाती है। अगर एक इज्जत लुट जाने से हजारों माँ बहन की इज्जत बच सकती है तो इसमें बुराई क्या है? लगता है जिस कहानी को तुम जन्म देना चाहती हो वो कहानी तुमने कहीं किसी से सुनी। सुनी नहीं, अपनी आंखों से देखी है। जब मैं 8 साल की थी।
रसीली, अरे ओ रसीली, जरा बाहर निकल कर देख। रुक जा चंडी। छुरा? चुपचाप वापस चला जा चंडी, वरना मैं आत्महत्या कर लूंगी। तेरे हाथ सिर्फ मेरी लाश लगेगी। छुरा, ये तो हुआ बहुत बुरा। रुक जा, तू आगे मत बढ़ पिए, स्वामी तेरे पर खुद आते हैं। छुरा, मैं बचपन से ही छुरे से डरता हूँ। मैं कुत्ता हूँ, कमीना हूँ, हरामजादा हूँ। मैं तेरे पांव पड़ता हूँ, पर मुझे छुरा ना दिखा, मुझे छुरे से डर लगता है। तुमने छुरा दिखाया, मैं तुम्हें असली रूप दिखाऊंगा, असली रूप। छुरा दिखा दी है, पागल कहेंगी। हाय सीमा, समझ में नहीं आता कि तुम्हारी कहानी सुनकर मैं मुस्कुराऊं या आंसू बहाऊं, जोर जोर से कहे कहे लगाऊं या हमेशा के लिए खामोशी को अपनी जुबान बदलूं। सर, बेहतर होगा कि हम आगे चलें। चलें सर। चलें, चलो चलो। सीमा, 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 ओ सीमा, जरा मेरे साथ दो पल हंसकर बात तो कर लो, मेरे दिल पर प्यार की बरसात तो कर दो। देखो विक्की, हम लोग यहाँ मौसे लड़ने आए हैं, और तुम हो कि तुम्हारे सर पे प्यार का भूत सवार है। अरे मौसे जब हम लड़ेंगे तब लड़ेंगे, कम से कम दो पल हंस के बात तो कर लो। देखो सीमा, वरना मैं जान दे दूंगा। तुम जाओ भाड़ में, तुम जियो या मरो, मुझे कोई मतलब। सीमा देखो, सीमा मैं जान दे दूंगा, मैं सच्ची कह रहा हूँ। सीमा मैं सच्ची कह रहा हूँ। अच्छा बाबा जाओ, सब कुछ मैं जान दे दूंगा। विकी, सीमा, सीमा, हाथ दो विकी। सीमा, सीमा हाथ दो, सीमा, सीमा, विकी, सीमा, 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 हाथ दो सीमा। कोशिश कर मेरा हाथ पकड़ने की। हाँ, सीमा, हाथ दो सीमा। कोशिश करो। विकी, मैं तो समझी तुम मजाक कर रहे थे, मगर तुमने तो सचमुच जान की बाजी लगा दी। अगर अभी तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं, तो एक बार फिर मरने के लिए तैयार हूँ। नहीं विक्की, अब तो साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। जब तक जिंदा है, दिन रात इसी तरह प्यार करते रहेंगे। Yeah.
कहाँ गए थे तुम दोनों? कहाँ गए थे? मैं पूछता हूँ कहाँ रह गए थे? अर्जुन, अर्जुन किसी जवान लड़के और लड़की से ये मत पूछो कि वो कहाँ रह गए थे। खुद ही समझ लो कि वो कहाँ। समझ गया मैं, समझ गया। लेकिन अब तू भी इन्हें समझा दे कि हम यहाँ प्रेम युद्ध नहीं प्राण युद्ध लड़ने आए हैं। अरे मौत से खेलते खेलते ये बच्चे अगर आपस में कुछ घड़ी हंस खेल लेते हैं तो इसमें क्या बुरा? अगर ज्यादा खेलेंगे ना ये बच्चे तो तीसरा बच्चा भी आ जाएगा। हैं? बच्चों का बच्चा? आओ चलो चलो, आइए आइए चलिए। आओ आगे बहुत दूर जाना है। दुश्मन हमारी तरफ बढ़ा चला रहा है, चलो टूट पड़ो इन पर। साथियों तैयार हो जाओ, दुश्मन बहुत बड़ी तादाद में हमारी तरफ बढ़ा चला रहा है। अरे ये तो बहुत कम है सिकंदर, इनसे दुगने भी आ जाएं तब भी पूरे पड़ेंगे हम। आओ चलो। मुझे मौत का गम नहीं है सिकंदर, मौत का गम नहीं है मुझे। गम तो इस बात का है, हम तो इस बात का है कि मैं तुम लोगों को आधे रास्ते में ही छोड़कर जा रहा हूं। नहीं तो किसी को छोड़कर नहीं जा रहा है। हिम्मत कर मेरे यार, हिम्मत कर। खुदा करे हम सब की उम्र तुझे लग जाए। वो देख, वो देख सिकंदर, वो मेरी आत्मा ने शरीर से निकलकर आकाश की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। आकाश की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता मेरे दोस्त। या परवरदिगार, क्या तेरे रूहों के खजानों में कमी हो गई है जो मेरे दोस्त की रूह को वापस बुला रहा है? तू ऐसा नहीं कर सकता परवरदिगार, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि तूने कभी उन लोगों को अपनी मंजिल की ओर जाने से नहीं रोका जो जुल्म के अंधेरों को अपने लहू की आग से बुझाना चाहते हैं। हे भगवान, तुम्हें कसम है सीता मैया की अग्नि परीक्षा की, तुम्हें कसम है शिव की, जिन्होंने इस धरती को बचाने के लिए सातों समंदर से निकला हुआ विष पी लिया। तुम्हें कसम है, तुम्हें कसम है उस शहीदों के बलिदान की, जिन्होंने इस धरती को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हमारे अर्जुन को बचा ले भगवान, हमारे अर्जुन को बचा ले, हमारे अर्जुन को बचा ले। अगर देना ही है तो मेरे दोस्त को ऐ खुदा ऐसी मौत दे जिस पर ये नाज कर सके। मरते वक्त उसे ये महसूस न हो कि वो एक आम आदमी की मौत मरा। ऐ मौला, इसे ऐसी मौत दे जिस पर सिर्फ इसे ही नहीं सारे हिंदुस्तान को फख्र। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर। आ गया अर्जुन, क्या खुदा, लगता है ऊपर वाले ने तुम लोगों की दुआ सुनने मेरे दोस्त। सर जान तो बच गई, लेकिन इनके जिस्म से गोलियां निकालने के लिए हमें किसी सुरक्षित जगह की तलाश करनी होगी। चलो चलते। अरे
कौन हैं आप? मेरे परिचय से ज्यादा जरूरी है इनका इलाज। पहले ये बताइए कि आप दोस्त हैं या दुश्मन? अगर मैं दुश्मन होती तो इस वक्त मैं नहीं मेरी बंदूक आपसे बात कर रही होती। इनका बहता हुआ खून बंद होना बहुत जरूरी है। देखिए मेरी बात मानिए, आप चलिए मेरे साथ, चलिए ना, चलिए। याँ 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 याँ, और मेरी तुम में लगा दागा, तू उसमें बम लगा के भागा, और सजन मैं क्या करूं, और सजन मैं क्या करूं। अरे ओ सूरज, मैं तेरे से पूछो मैं तेरा क्या करूं। सरदार मुझे बस एक मौका और दीजिए सरदार। एक मौका और देकर मैं अपने साथियों को खोना नहीं चाहता, मैं तो तेरे साथ खून की होली खेलूंगा। चंडी खून की होली खेलेगा, चंडी चंडी का दूत है। पहली बार हारे हुए जुआरी को सजा देना नाइंसाफी है सरदार। क्या कहा तू? मुझे इंसाफ सिखाता है? तू मुझे इंसाफ सिखाता है जिसको इंसाफ से नफरत है? अगर ऐसा है तो मार डालिए मुझे, मगर याद रखिए अगर ऐसे ही आप अपने हर आदमी के साथ करते रहे तो एक दिन सब मर जाएंगे और आप अकेले रह जाएंगे। पसंद आई चंडी को ये तेरी अदा? पसंद आई? जा, मैं तुझे 4 दिन की मोहलत देता हूँ, अगर तूने कुछ करके दिखाया तो चंडी तुझे हलवा खिलाएगा, नहीं तो मौत का जलवा दिखाएगा। पांजी, ये ठीक हो जाएंगे ना? मैंने इनके जिस्म से गोलियां निकाली है लेकिन जख्म काफी गहरा है। देखिए हाँ। इन्हें आराम की जरूरत है, इन्हें आराम करने दीजिए। हाँ। चाचा चाचा। क्या है मुन्ना? चाचा चाचा, मैं अपने पिता के कातिल को मार पाऊंगा ना? जरूर ले पाओगे बेटा, जरूर ले पाओगे। तुम अपने पिता के कातिल से जरूर बदला ले पाओगे और एक न एक दिन तुम्हारे पिता के कातिल के सीने में बंदूक की गोली जरूर उतार पाओगे। जिस वीराने में वहशी दरिंदों के सिवा किसी और से मिलने की उम्मीद नहीं, वहां आपका मिलना, हमारी मदद करना, अर्जुन की जान बचाना बड़ा अजीब लगता है। आपने बताया नहीं कि आप कौन हैं, इस वीराने में क्या कर रही हैं और आपने हमारी मदद क्यों की? कभी कभी पुण्य के पेड़ पर इतने जहरीले फल लगते हैं कि पुण्य के नाम से नफरत होने लगती है। ये उन दिनों की बात है जब मैं गर्भवती थी। अरे कुछ देते जाओ, इस गरीब ने 7 दिन से कुछ नहीं खाया। हिंदुओं को भगवान की कसम, मुसलमानों को खुदा की कसम, शैतानों के भगवान की कसम, मेरी थाली में कुछ तो देते जाओ। तूने कुछ नहीं दिया, तेरा कुछ ना रहे। ए माई। पापा, लगता है आप बहुत दिन से भूखे हैं। मेरे घर चलिए और पेट भर के भोजन कीजिए। भगवान तुम्हें सुखी रखे देवी। जिस सच्चे दिल से तुम दोनों ने भगवान से कुछ मांगा है, भगवान वो मनोकामना पूरी करे देवी। आप हमारे घर चलिए और पेट भर के भोजन कीजिए। जैसी आपकी इच्छा, चलो देवी। हे प्रभु, तेरी माया अपरंपार है। बाबा, अगर आपकी सेवा में कोई कमी रह गई हो तो निसंकोच कहिए। नहीं देवी, इतना अच्छा भोजन, ऐसे भोजन के लिए तो मैं 7 जन्म भी लगा रहा हूँ तो मुझे नहीं मिल सकता। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम्हारी सूनी गोद में संतान हो जाए। अच्छा देवी, मैं चलता हूँ। इतनी रात को कहाँ जाएंगे आप? यही सो जाइए, सुबह उठकर चले जाइएगा। हाँ बाबा, इतनी तूफानी रात में आप कहाँ जाएंगे, यही रुक जाइए ना। अच्छा, जैसे आप दोनों की इच्छा, भगवान तुम्हें बड़ी उम्र दे।
ये क्या कर रहे हो? अरे अरे मेरे पति को मार रहा है! छोड़ दो मेरे पति को! पैसा, पैसा, चंदी, पैसा, पैसा ही पैसा, चंदी। इसके बाद मैं यहाँ चली आई, अपने बेटे को जन्म दिया और कसम खाई कि एक ना एक दिन मेरा बेटा उस डाकू चंदी से अपने पिता के खून का बदला जरूर लेगा। अगर इस वक्त आपका बेटा है कहाँ? चलिया नाम के एक निशानेबाज से वो निशाना सीख रहा है। मैं अभी उसे यहाँ बुलाती हूँ। चलिया, चलिया, चलिया। लगता है बेटे तुम्हारी माँ मुझे पुकार रही है। मैं अभी जाके देखता हूँ क्या बात है। तुम यहीं रहना। हाँ हाँ माँ जी। ये छलिया है? दुर्गा जब माँ जी कह रही हैं कि ये छलिया है तो ये छलिया ही होगा। हाँ मेरा नाम ही छलिया है। छलिया मुन्ना कहाँ है? वो तो पहाड़ियों में निशाना लगा रहा है। तो आओ हम उस नन्हे सिपाही को पहाड़ी में ही मिल लेते हैं। आइए। अरे राजू जहाँ मैं तुम्हें छोड़ के गया था तुम अब तक वहीं खड़े हो? हट जाऊंगा तो निशाना कैसे लगाऊंगा? डाकू चंडी को कैसे मार पाऊंगा? वाह मेरे नन्हे सिपाही वाह। अगर हमारी आने वाली नस्ल इसी तरह देश की सरहद पर फौलाद की दीवार बनकर खड़ी हो जाए तो देश के दुश्मन कभी भी हमारी तरफ बुरी नजर से नहीं देख पाएंगे। शाबाश। फिर क्या हुआ? फिर डाकू चंडी ने मेरी आंखों के सामने विजय को मार डाला। लेकिन दुर्गा कल तो मुझे देखकर पूरी तरह चौंक क्यों गई? क्योंकि तुम्हारी शक्ल मेरे विजय से एकदम मिलती जुलती है। वही रंग, वही रूप, वही अंदाज, वही आवाज। दुर्गा क्या तुम मुझे विजय नहीं समझ सकती? वो सब कुछ जो तुमने विजय के साथ खो दिया है फिर से उसे हासिल करने के लिए अपना हाथ मेरे हाथों में नहीं दे सकती। दिल के किसी कोने से मेरी सख्मी मोहब्बत यही कह रही है कि मैं तुम्हें विजय समझकर अपने सारे गम भूल जाऊं। मगर डरती हूं अपनी तकदीर से। अगर तुम्हें भी खोना पड़ा तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम मुश्किलों से टकराने निकली हो, चंडी का खून पीने निकली हो तो उस जंजीर को तोड़ने की हिम्मत पैदा करो। अगर उस जंजीर को तोड़ने की हिम्मत तुम्हें नहीं है तो उसका नाम बदल डालो। अपनी मोहब्बत को विजय नहीं छलिया कह के पुकारो। तस्वीर होती तो निकाल कर फेंक देती। ये तो मोहब्बत की जंजीर है जिसे तोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। छलिया जीने के लिए हौसले की जरूरत होती है और मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी आंखों में पहाड़ से भी टकराने का हौसला है। फिर दिल जैसी मासूम चीज को ठुकरा कर विजय के गम के सहारे क्यों जीना चाहती हो? मैं कोशिश करूंगी छलिया, पूरी कोशिश करूंगी कि विजय की खुशबू को अपनी सांसों से जुदा कर सकूं, उसकी याद को अतीत की कब्र में दफन कर सकूं, दिल की चौखट से उसका नाम मिटाकर तुम्हारा नाम लिख सकूं। दुर्गा मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा जब तुम विजय को भूलकर सिर्फ और सिर्फ मेरी मां। लगता है इनके शरीर में जहर फैल रहा है। इन्हें जल्द से जल्द किसी अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। अस्पताल? यह अस्पताल कहाँ होगा? अस्पताल? अस्पताल तो गोलिया गांव में है लेकिन उसके चारों तरफ चंडी के लोग फैले हुए हैं क्योंकि चंडी तक पहुंचने का रास्ता गोलिया गांव से ही होकर जाता है।
अगर इनको बचाने के लिए मुझे नरक से होकर भी गुजरना पड़े तो मैं गुजर जाऊंगी। अरे वाकई यहाँ तो बहुत सारे डाकुओं का पहरा है। घबराने की कोई बात नहीं। अरे सिकंदर और अर्जुन साहब कहाँ गए? वो अस्पताल तक गए हैं। हमें तब तक इन लोगों को यहीं उलझा कर रखना है। अब भी मुझ में इतनी जान बाकी है कि मैं इन दरिंदों का मुकाबला कर सकूं। नहीं अर्जुन, पहले तेरा अस्पताल पहुंचना बहुत जरूरी है। चल मेरे साथ। नहीं सिकंदर, इससे ज्यादा जरूरी है इनसे मुकाबला करना। लेकिन मैं सिकंदर, मैं मोर्चा संभाल लूंगा। पर इस हालत में संभाल लूंगा मैं, यकीन कर मुझ पर। ठीक है चल आजा, आजा। मारो उन्हें। सिकंदर, अरे इससे पहले कि और डाकू आ जाएं, तुम इन सब साथियों को लेके पिछली पहाड़ी से निकल जाओ। मैं इन सबको यहीं उलझाए रखता हूं। जाओ सिकंदर, तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। जाओ। ना ही मैं दुश्मनों को पीठ दिखाऊंगा, ना ही मैं तुम्हारी जिंदगी का सौदा करके जिंदा रह पाऊंगा मेरे दोस्त। दोस्ती निभाने के लिए अपने मकसद को मत भूल सिकंदर। गुजर जा मेरी लाश पर से, गुजर जा, जा। ये मैं कैसे कर सकता हूं दोस्त? मेरा खून, मेरा जमीन मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता कि तुझे कसम है उस तिरंगे की जिसके तीन रंगों की लाज रखने के लिए तुझे अपने जमीन को कुर्बान करना ही पड़ेगा। इसके रंगों को फीका पड़ने से बचाने के लिए सिकंदर, तुझे मेरा बलिदान देना ही होगा। जा। ये तूने क्या कह दिया दोस्त? अगर तूने कोई और कसम दी होती तो मैं नहीं मानता, मगर तिरंगे की कसम देकर तुमने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं सब्र के पत्थर से अपने दिल को कुचल डालूं, फर्ज की तलवार से अपनी दोस्ती का सीना चाक कर दूं। इस अधूरी लाश पर आंसू मत बहा सिकंदर। गुजर जा इस मोड़ से जहां से हमें एक दूसरे से अलग होना पड़ रहा है। जा सिकंदर, चला जा, जा। चलो दुर्गा, खुदा हाफिज मेरे दोस्त। वक्त लिखेगा कहानी एक नए मजमून की, जिसकी सुर्खी को जरूरत है हमारे। हाय सब। अरे गीता तुम? सुरेश तुम? और इस डाकू के लिबास? लेकिन तुमने मेरी ओर पलट के भी नहीं देखा, और तो और अपनी खबर तक भी नहीं दी। अमृत बनने निकला था, हालात ने मुझे जहर बना दिया। कलम की रोटी कमाने की चाहत में दिन रात भटकता रहा। ठोकर लगने पर गिरते वक्त जब सहारे के लिए हाथ बढ़ाए तो हाथ में चाकू सहारा बनकर आ गया। मजबूर हो गया मैं। सोचा था किसी मंदिर की बुनियाद बनूंगा, लेकिन हालात ने मुझे फांसी का फंदा बना दिया। ठोकर लगते हुए गिरते हुए जब मैंने संभलने के लिए हाथ बढ़ाया तो मेरे हाथ में सहारे के लिए चाकू आ गया। जुल्म की दुनिया में चंडी मुझसे टकराया, और जब मैंने जुल्म की दुनिया छोड़कर भागना चाहा, तो मुझे पता चला कि मेरी माँ और बहन चंडी के कब्जे में। सूरज, माँ को मर जाने दो, बहन को मर जाने दो। गीता, ये तुम क्या कह रही हो गीता? सूरज,
जब भी देश की गद्दारों के साथ जंग हुई है, हम हिंदुस्तानियों ने अपने रिश्ते की लाशों को कफन के तराजू में तोलकर अपनी ताकत का मोल दिया है। अधो, भुला दो इन रिश्तों को और जंग शुरू करो, जंग उस चंडी के खिलाफ। तुम लोग चाहो तो क्या मतलब? तुम और तुम्हारे साथी मिलकर कोई ऐसी चाल नहीं चल सकते जिससे मेरी माँ और मेरी बहन मरने से बच जाएं, चौकड़ी को खत्म कर दिया जाए। ठीक है, और साथ दोगे हमारा? कहाँ मर गया भगवान के घर रहते रहे अंजला, एक के हाथ बटे रहे अंजला, हे अंजला, हे अंजला, हे अंजला। हाल बुरा तू है इलाज मेरा सुन ले मेरे फूल छड़ी, मैंने तेरे प्यार में छोड़ दिया सब कुछ, हालत ये कैसी बनी के? मेरी पैंट भी फटी, मेरी शर्ट भी फटी, मेरी बनियन भी फटी, मेरे मोजे भी फटे, ये जूते भी फटे। दिल का है हाल बुरा तू है इलाज मेरा सुन ले मेरी फूल छड़ी। दरवाजा खोलो जानी 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 जानी, हमको अंदर बुला लो दिल में अपने बसा लो, जानी 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 जानी, जो पार्टी में आऊंगा
माने अगर तू बाबा बन जरा सा मेरा कहना जानी 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 गरीब को इतना प्यार दिखाकर मुझ पर तुमने एहसान किया है। शाम को क्या प्रोग्राम है, डिस्को चलोगी? डिस्को? और ऐसी हालत में? ये तो मेरा यूनिफॉर्म है, मेरे पास एक से एक कपड़े हैं, जींस बीन्स के मैं डिस्को में जाता हूँ। ताज आई एम नॉट भिखारी एक्चुअली, आई एम क्वालिफाइड एजुकेटेड, यू नो आई एम बीकॉम बट बेकॉम। काम मिलेगा तो नौकरी कहाँ मिलती है आजकल? अगर नौकरी मिल भी जाए तो 4-5 हज़ार की नौकरी, मैं तो 15-20 हज़ार ही कमाता हूँ। 15-20 हज़ार इजीली कमाता हूँ। देखो इतने पढ़े लिखे होके क्यों इस तरह भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। मैं जानता हूँ, लेकिन अब तो मेरी जिंदगी में आ गई हो तो मैं नौकरी करूँगा, बिजनेस करूँगा, तुमसे शादी करूँगा, बच्चे पैदा करूंगा, एक बढ़िया सा घर लेकर दूंगा, दुनिया का सैर कराऊंगा मैं आपको, बिजनेस करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा अभी। क्या बिजनेस करोगे? मटके का सट्टा बाजार, चक्री ओपन मटका, 10-80 उठा ले लगा ले लगा ले, एक तकदीर बाद में उठा ले, एक चक्री घुमाए 10-80 रुपए का 8 रुपया, ये नंबर 4 बॉम्बे का चोर छक्का आ गया, उठा ले उठा ले। पहले मुझे उठा लो और यहाँ से ले चलो। अच्छा बहुत भारी हो यार। रुक जाओ दुर्गा। अरे तुम मुझे डाकू को मारने से रोक रही हो? वो डाकू नहीं, हमारा जासूस है। हाँ जासूस भी और मेरा खोया हुआ सूरज भी। ओ गीता, तुम और तुम्हारे साथियों के लिए खुशखबरी है। कैसे खुशखबरी? विदेशी ने जो हथियार हमारे देश को तबाह करने के लिए चंडी को भेजे थे वो उसने मौत के मैदान में छुपा रखे। तुम और तुम्हारे साथी अगर उन हथियारों को तबाह कर दो तो उनकी आधी ताकत वैसे खत्म हो जाएगी। मगर मौत के मैदान में चारों तरफ तो खतरा है, किसी अजनबी को देखकर वो लोग गोली मार देते हैं। तुम्हें कैसे पता? मुझे अपने गांव तक पहुंचने के लिए उस मौत के मैदान से गुजरना पड़ता है। उन लोगों ने ऐसा मोर्चा बना रखा है कि बड़ी से बड़ी फौज भी उस मौत के मैदान तक नहीं पहुंच सकती। समझ में नहीं आता कि क्या करें। दुर्गा अगर तुम बुरा ना मानो तो एक तरकीब बताऊं? बताओ जल्दी बताओ। तुम छलिया से शादी कर लो। मीना अगर आगे तुमने एक लफ्ज भी कहा तो उसे मार डालूंगी। उसके बाद भी तुम इसी तरह मर मर के जीती रहोगी, छलिया में विजय को तलाश करती रहोगी और छलिया को ही देखकर तुम विजय को याद करती रहोगी। चुप हो जाओ, मैं कहती हूँ चुप हो जाओ। दुर्गा कैसे चुप हो जाऊं? आज तुम्हारी यह हालत उस बेबस मरीज की तरह है जो ना तो होश में आना चाहता है ना तो जहर खाकर मरना चाहता है। आखिर तुम चाहती क्या हो? सही है दुर्गा, तुम छलिया से शादी कर लो, जो जिंदा है उसे अपना लो और जो मर गया उसे भूल जाओ। दुर्गा कैसे भूल जाओ, कैसे भूल जाओ विजय को? ना दिन का कभी सूरज को भुला सकता है और ना ही रात का अंधेरा चांद सितारों की याद से पीछा छुड़ा सकता है। मैं कैसे भूल जाऊं विजय को, कैसे भूल जाऊं? भूल जाओ दुर्गा, इसी में तुम्हारी भलाई है, भूल जाओ। मैं ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा सोचना भी मेरे लिए पाप है। पाप तुमने किया मगर सजा मैं अपने आप को दूंगा। क्यों मैंने विजय का चेहरा लेकर पैदा हुआ, क्यों मैंने तुम्हारे दिल की कब्र से यादों की लाश को बाहर निकाला, क्यों मैंने तुमसे मोहब्बत की भीख मांगी? रुक जाओ चलिया, विजय ने जो जख्म दिए हैं उसे असुर मत बनाओ। गीता दुर्गा को तो तुमने मना लिया, अब हमारी प्लानिंग का क्या होगा? पता दूंगी
लेकिन पहले शादी तो हो जाने दो। और आज की रात ज्यादा मजाक भी अच्छा नहीं होता। दुर्गा तुम दोनों जाओ, सिकंदर जी का आशीर्वाद ले लो, जाओ। अरे जाओ ना। सर मैंने सब कुछ सुन लिया है, मेरी दुआएं तुम दोनों के साथ हैं, खुश रहो और मौज बनाओ। सरदार, सरदार, सरदार! अरे पगले, तुझे कोई और जगह नहीं मिली जो सरदार के कानों में घुसकर शोर मचा रहा है? अरे पगले, धीरे धीरे बोल, अपने मन के भेद खोल। सरदार, मेरे छोटे भाई छलिया ने दुर्गा को झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाकर शादी कर ली। सरदार, क्या उस कमीने तेरे भाई को मैंने इसलिए जासूस बनाया है कि वो मजे मारता रहे और मैं खुजाता रहूं? हैं? सरदार, उसके पीछे भी एक चाल। चाल? कैसी चाल? आपके दुश्मनों को हथियार के लालच में मैंने मौत के मैदान में भेज दिया है। सरदार, उस चाल के कामयाब होते ही आपके सारे दुश्मन मारे जाएंगे। वाह रे तीज मार का, वाह! अब जल्दी से जाकर उनकी लाशें लाकर दिखा। जा। अरे गोली तो ऐसी होनी चाहिए, मैं तो बहुत होनी चाहिए। छलिया के साथ ये छमछमाती कौन छमिया आ रही है यार? ए छलिया, ये कौन लड़की है? अरे ये मेरी बीवी है, कल ही मैंने इसके साथ शादी की है। अरे शादी भी कर ली और मिठाई भी नहीं खिलाई? अरे हाँ भाई हाँ, तुम्हारे लिए तो लाया हूँ, लो मुंह मीठा करो। अरे ऐसी मिठाई है कि खा के ही तुम लो। आखिर गीता की प्लानिंग कामयाब हुई। चले चलो। अरे चलो चलो, अपनी प्लानिंग कामयाब हुई, ये सब लोग सरदार के पास। चलो मेरे सरदार के पास, हमको नाश करने नहीं, मिठाई खिला दीजिए। चलो चलो चलो, सब चलो, 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 चलो। अब हमारे सरदार बताएंगे। क्या हुआ? सिकंदर अंकल। बोल बोल गद्दार, हमारे सरदार के साथ तूने गद्दारी की, अब मरने के लिए तैयार हो जा, हम तुझे कुत्ते की मौत मारेंगे। मारो इसे गोली, मारो। मुझे तुम लोगों ने क्यों बचा लिया? मुझे मर जाने दिया होता, मुझे मेरे पाप की सजा मिलनी चाहिए। पापी तुम नहीं, पापी तो वो चंडी है, सजा तो उसे मिलेगी। तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि उसका ठिकाना कहाँ है। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि उसका ठिकाना कहाँ है, आओ मेरे साथ। क्या खबर लाया? सरदार, सिकंदर अपने साथियों को लेकर इस तरह बढ़ता चला आ रहा है। नहीं, इससे पहले कि वो यहाँ धावा बोले, हमारे मुंह से मौत की झाग निकाले, भागो रे भागो। यही है उन पापियों का ठिकाना, लगता है वो यहां से भाग निकले। मैं तो उस जालिम को बहुत बहादुर समझता था, सोचा था बहुत धमाके खेज मुलाकात होगी। अगर वो भगोड़ा तो ऐसा घोड़ा निकला जो पत्ते की खड़कने की आवाज सुनते ही भाग जाता। चंडी, अरे भागते तो ना मर्द है, मैं तो मर्द हूं, मर्द, मर्दों का सरदार, मर मिटने को हर वक्त तैयार। समझे? क्योंकि तू देश का गद्दार है, इसलिए तेरी मौत पर इंसान नहीं सिर्फ जानवर जश्न मनाएंगे, सिर्फ जानवर।
जानवर तो मैं हूँ सिकंदर, जिसकी खोपड़ी में सिर्फ तेरे जैसा एक ही है बंदर। अपने चारों तरफ अपनी खोपड़ी घुमा के देख, तेरी खोपड़ी अपने आप घूम जाएगी, देख देख। मेरे प्यारे प्यारे मुन्ने और मुनियों, फेंक दो ये बंदूकें, अगर कोई अपनी जगह से हिला खाक और खून में नहाएगा। फेंक दो, फेंक दो। हाँ, तू जीत गया चंडी, चल चला गोली, कहीं वक्त तुझसे दगा न कर बैठे, और हमारे खाक और खून में नहाने के बदले कहीं तुझे ही खाक और खून में नहाना न पड़ जाए, चल चला गोली। मेरा स्वर्गवासी गब्बर सिंह कहता था कि बेटा चंडी, ओ बेटा चंडी, जब भी मरना आखिरी तमन्ना पूरी करके मरना। मेरी आखिरी तमन्ना है दुर्गा। दुर्गा नाचेगी, गाएगी, मेरी गोद में समाएगी। नहीं, मेरे जीते जी दुर्गा नहीं नाचेगी। हट, तू क्यों जलता है? दुर्गा तो है मेरी मुर्गी और चंडी है उसका मुर्गा। कुत्ते हरामजादे। सिकंदर साहब, ये मसला मेरा और चंडी का है, इसे हम दोनों को ही हल करने दीजिए। चंडी जिंदाबाद। मैं नाचूंगी, उस वक्त तक नाचूंगी जिस वक्त तक या तो तू खत्म ना हो जाए और या मैं ना मर जाऊं। प्रभु तेरी मनोकामना। दुर्गा।
नाम चंडी अख्तियार करके माँ चंडी के नाम का अपमान किया है। अरे माँ चंडी तो राक्षसों का खून पीती है और तू तो खुद एक राक्षस है जिसने हमेशा गरीबों का खून पिया है, मासूम लड़कियों की इज्जत लूटी है, अपने देश को नीलाम करना चाहा। मैं गुनहगार हूँ सिकंदर, मुझे छोड़ दो। वाकई मैंने चंडी माँ के नाम का अपमान किया है, मुझे छोड़ दो सिकंदर। तू अगर नाग होता तो छोड़ देता, जहरीला बिच्छू होता तो छोड़ देता, गंदा खाने वाला सुअर होता तो छोड़ देता, मगर तू तो ऐसा कोहराम है जिसके बोझ को राम और रहीम की इस धरती से मिटा देना ही आज बेहतर होगा। आज तेरी मौत से मां चंडी बहुत खुश होगी। मुझे छोड़ दो। दुर्गा, मैं जा रही हूं मेरे साथियों। ये क्या दुर्गा, मंजिल करीब आते ही साथ छोड़कर जाने लगी?
मैं जा रही हूँ सर, लेकिन मैं फिर आऊंगी एक नया रूप लेकर, और मकसद वही होगा, अपनी देश की रक्षा करना और रक्षक। आंखों में आंसू तो नहीं रह गए अब दुर्गा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, तब होता है कहीं जाकर चमन में दीदावर पैदा।